आप ये देखो कि कैनन ने EOS R5 की डेवलपमेंट अनाउंसमेंट कर दी। इसका मतलब हम क्या समझें, ये बहुत ही शार्प स्ट्रेटजी है कैनन की। कैनन ने एक अच्छा DSLR जरूर अनाउंस किया, एक फ्लैगशिप DSLR जरूर अनाउंस किया, उसमें थोड़ा अपग्रेड भी उन्होंने डाला जो इम्प्रेसिव लग रहा है हमें, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा डेवलपमेंट अनाउंसमेंट कर दिया है EOS R5 का कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर सोच रहे थे कि हम इस कैमरे पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, वही प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो कैनन के हैं अब रुक जाएंगे। यहाँ पे कैनन किसी को नाराज भी नहीं करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम वो अपने DSLR यूजर बेस को बहुत ही स्विफ्टली मिररलेस जोन में ले जाना चाहता है। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं कि क्या रहेगी सेंसर रेजोल्यूशन कैनन EOS R5 की, किस वजह से कैनन EOS R5 हमारे सामने आ रहा है, और इसके सामने आने से खुद कैनन को कितना घाटा उठाना पड़ रहा है, कितनी ज़्यादा रिस्क कैनन ले रहा है, इन सब के बारे में आज हम बात करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेप है कैनन का, एक ऐसा मिररलेस कैमरा डालना मार्केट में जिसकी कैपेबिलिटी बहुत ही हाई हो, और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ भी है, क्योंकि अगर कहीं भी फेलियर हुआ या कहीं उन्होंने कुछ ज़्यादा हाइप में बातें कर दी और उस तरह से वो पेश नहीं आ सके, उन स्पेसिफिकेशन को नहीं ला सके अंडर द बॉक्स, तो बहुत ही ज़्यादा बैकलॉग्स कैनन को झेलना पड़ सकता है। आपको याद होगा निकॉन ने DL सीरीज अनाउंस करके रिस्टोर कर ली थी, वो नहीं ला पाए थे मार्केट में, तो कहीं ना कहीं कैनन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क मंडरा रही है कि अगर उन्होंने ऐसा वादा किया है, प्रॉमिस किया है, ऐसी डेवलपमेंट अनाउंसमेंट हमें दिखाई है कि हम ऐसा कैमरा लाने वाले हैं, तो ये रिस्क कैनन के ऊपर है कि भाई अब तक तो आप एक प्रॉपर 4K वीडियो मोड भी नहीं दे पाए हो, आप बात करते हो कि सीधे आप 6K भी नहीं, आप 8K वीडियो की बात कर रहे हो, और कहीं ना कहीं रिमोट स्पेक्स में हमें 6K 60 फ्रेम्स पर सेकंड में मिलेगा EOS R5 में, ऐसे हमें हमारी इंफॉर्मेशन, ऐसे हमारे पास रूमर्स हैं। तो बहुत ही रिस्की चीज़ है कैनन के लिए, कैनन ने ऐसा स्टेप उठाया, और आप ये समझो कि आप इसकी स्पेसिफिकेशन की मैं बात थोड़ी सी कर लूँ जिनको नहीं पता है। तो कैनन ने जो डेवलपमेंट अनाउंसमेंट करी है उसमें कैनन ने कहा है कि हम एक नया सेंसर देंगे, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी रहेगी, 12 फ्रेम्स पर सेकंड की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड रहेगी अगर आप मैक्निकल शटर यूज़ कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शटर पर जाते हो और इफ़ यू आर यूजिंग साइलेंट शटर तो आपको 20 फ्रेम्स पर सेकंड की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड रहेगी। हमें डुअल कार स्लॉट्स मिलने वाले हैं कैनन EOS R5 कैमरे में, और एक नई बैटरी मिलेगी जो काफ़ी तगड़ी रहेगी। ये है ऑफिशियल सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन कैनन EOS R5 का जो हमें मिला था डेवलपमेंट अनाउंसमेंट में कैनन की तरफ से। अब चलिए हम बात करते हैं कि रूमर्ड सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है। रूमर्ड सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन ये कहती है कि 40 से 45 MP का सेंसर आ सकता है। ये क्यों ऐसा कहते हैं भाई 40 to 45? देखिए ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोटोटाइप एग्जिस्ट करता है, कोई अच्छा कैमरा बन रहा है कंपनी में तो 1, 2, 3, 4 प्रोटोटाइप तक एग्जिस्ट कर सकते हैं डिफरेंट सेट ऑफ कोर स्पेसिफिकेशन के साथ। तो जब कोई र्यूमर आपके पास आती है तो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो, ज़रूरी नहीं कि वही सेंसर आपके पास आ जाए, डिफरेंट भी आ सकता है, बट कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये बात सही है कि हो सकता है कैनन EOS R5 के अंदर 40 या 45 MP का सेंसर रहे। दूसरी बात अगर हम करें तो इसमें हमें 7 to 8 स्टॉप्स ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन मिल सकता है। एक तो 5 स्टॉप्स ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन हमें मिलेगा IBIS के थ्रू, सेंसर सेफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन के थ्रू। दूसरा, इसमें लेंस बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन भी ऐड होगी, दोनों एक साथ काम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फुटेज हमें इससे मिलनी। और 4K वीडियो को हम 60 फ्रेम्स पर सेकंड या कहीं ना कहीं 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर भी रिकॉर्ड कर पाएंगे, ऐसी हमारे पास न्यूज़ है, ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। हालांकि इसके लिए हमें कितना क्रॉप फैक्टर फेस करना होगा, इसमें किस किस वीडियो मोड में हमें DPF मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, बट जो रेस्ट ऑफ द कोर स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है, अगर ये कैमरा 45 या 40 MP सेंसर को लेकर 12 FPS शूट करता है या 20 FPS शूट करता है इलेक्ट्रॉनिक शटर के थ्रू, तो ये बहुत ही इंप्रेसिव बात है, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव बात है। स्पोर्ट्स शूटर तो इसे तुरंत परचेस कर लेंगे, क्योंकि इस हाई रेजोल्यूशन पे आपको 1DX Mark III की स्पीड मिलना ये तो काफ़ी अनयूजुअल चीज़ है।
दूसरी बात कि अगर आप 8K वीडियो को किसी भी तरह ले आते हो अपने कैमरे में तो ये एक फ्यूचर प्रूफ कैमरा बन जाता है। काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी ये वीडियोग्राफर्स, प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स के लिए एंड इवन प्रोफेशनल यूट्यूबर्स के लिए कि भाई एक बार इन्वेस्ट कर दिया आप निश्चिंत हो गए कि हमारे पास 8K तक की फॉर्मेट अवेलेबल है। एटलीस्ट 8K नहीं तो हम बहुत अच्छी 4K तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैमरा है ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज के साथ आएगा। तो आपको ये समझना होगा कि कैनन ने कहाँ इसके साथ बहुत बड़ा रिस्क उठा लिया है। आप देखो मार्केटिंग स्ट्रेटजी थोड़ी सी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कैनन का जो 1DX मार्क 3 कैमरा है आया है जनवरी 2020। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो जनवरी 6 2020 को कैनन ने अपना 1DX मार्क 3 कैमरा उतारा है मार्केट में। 1DX मार्क 3 कैमरा अभी इंडिया में आया भी नहीं है, ऑफिशियली एंटर नहीं किया है। हालांकि इसकी कीमत 460,000 के आसपास रहने की उम्मीद है। स्पेसिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर ले 1DX मार्क 3 कैमरे की तो हमें 20MP का सेंसर मिल रहा है, वही सेंसर जो 1DX मार्क 2 में था। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड हमें 20FPS मिल रही है, जिसे आप साइलेंट शूटिंग भी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक शटर के थ्रू। यहाँ पे 12FPS की मैकेनिकल शटर की स्पीड हमें मिल रही है। तो ये कैमरा काफी अच्छा माना जा रहा है, काफी उम्दा माना जा रहा है। A92 के कंपेटिटर के हिसाब से इसे देखा जा रहा है और D6 से काफी बेहतर माना जा रहा है क्योंकि कैनन ने इस पे थोड़ा सा वर्क ज्यादा किया है, इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी अच्छी आई है। तो स्पोर्ट्स शूटर के लिए ऑफकोर्स बहुत अच्छा DSLR कैमरा है। अभी ये कैमरा जस्ट कैनन ने अनाउंस किया है, इसकी प्रॉपर अभी तक शिपिंग भी चालू नहीं हो पाई है और इंडिया में तो ये अभी ऑफिशियली अनाउंस भी नहीं हुआ है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसकी ऑफिशियल अराइवल के पहले ही आप ये देखो कि कैनन ने ESR5 की डेवलपमेंट अनाउंसमेंट कर दी। इसका मतलब हम क्या समझें, ये बहुत ही शार्प स्ट्रेटजी है कैनन की। कैनन ने एक अच्छा DSLR जरूर अनाउंस किया, एक फ्लैगशिप DSLR जरूर अनाउंस किया, उसमें थोड़ा अपग्रेड भी उन्होंने डाला जो इम्प्रेसिव लग रहा है हमें। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा डेवलपमेंट अनाउंसमेंट कर दिया है ESR5 का कि जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर सोच रहे थे कि हम इस कैमरे पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, वही प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो कैनन के हैं अब रुक जाएंगे। यहाँ पे कैनन किसी को नाराज भी नहीं करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम वो अपने DSLR यूजर बेस को बहुत ही स्विफ्टली मिररलेस जोन में ले जाना चाहता है। तो आप ये समझो कि अपने फ्लैगशिप कैमरे की बलि कैनन चढ़ा रहा है। आप ये समझ लो कि 1DX Mark 3 की अनाउंसमेंट उन्होंने की है, उसकी प्रॉपर सेल भी अभी ढंग से शुरू नहीं हो पाई है। एशियन रीजन्स में ये कैमरा आया भी नहीं, इंडिया में इसकी ऑफिशियल अराइवल नहीं हुई है, शिपिंग आपकी 1 से 2 महीने बाद प्रॉपरली इसकी चालू होने वाली है। इवन इन अमेरिका इसकी प्रॉपर अभी तक शिपिंग स्टार्ट नहीं हो पाई इस कैमरे की। और आप ये समझिए कि इस कैमरे की प्रॉपर शिपिंग स्टार्ट होने के पहले उन्होंने ESR5 की डेवलपमेंट अनाउंसमेंट कर दी। तो होगा ये इससे कि भाई जो 1DX Mark 3 की जो सेल है बहुत ही ज़्यादा पिटने वाली है। आप ये समझो कि 1DX Mark 3 की जो सेल है वो बहुत ही ज़्यादा लो डाउन कर जाएगी क्योंकि R5 की डेवलपमेंट अनाउंसमेंट इस समय कैनन ने कर दी। वही अगर ये 6 महीने वेट कर लेते या 8 महीने वेट कर लेते तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स जो वेट कर रहे हैं पिछले 4 या 3 साल से अपने पैसे को लेकर कि हम अपना नेक्स्ट फ्लैगशिप कैमरा खरीदेंगे कैनन का, वो अपना पैसा 1DX Mark 3 में डाल देते। लेकिन जस्ट 1DX Mark 3 के अनाउंसमेंट के बाद हमारे पास आ जाती है R5 की डेवलपमेंट अनाउंसमेंट और कहीं ना कहीं R5 की जो स्पेसिफिकेशन है 1DX Mark 3 को बौना दिखा रही है, बहुत ही इंफीरियर कैमरा दिखा रही है। आपको 40-45MP की सेंसर मिल रही है, वही कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड मिल रही है जो 1DX Mark 3 की है 20MP सेंसर के साथ। वीडियो रिजोल्यूशन की बात कर ले तो हमें 8K वीडियो रिकॉर्डिंग की कैपेबिलिटीज कैमरे में मिल रही है। तो आप ये समझो उन्होंने तो 1DX Mark 3 की सेल खुद ही डाउन कर दी। रीज़न ये है वो खुद चाहते हैं, उन्होंने खुद एडमिट भी किया था उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने
इन द बिगनिंग ऑफ मार्च 2018 से वो DSLR कैनिबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बट वो इस हद तक DSLR कैनिबलाइजेशन को ले जाएंगे, वो इतने रूथलेसली DSLR कैनिबलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करेंगे, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएबल स्टेप है, इससे DSLR कंज्यूमर बेस, जो प्रोफेशनल कंज्यूमर बेस है कैनन का, वो भी नहीं नाराज होगा क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। बट उन्हीं के सामने जस्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ 1DX मार्क 3 उन्होंने इतनी अच्छी R5 की डेवलपमेंट अनाउंसमेंट करी है कि अब उनका प्रोफेशनल DSLR कंज्यूमर बेस दो बार सोचेगा 1DX मार्क 3 कैमरे पे इन्वेस्ट करने से पहले। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि अभी जो कैनन का सिनेमा, प्रोफेशनल सिनेमा कैमरा रेंज है, उसमें सबसे उम्दा मॉडल जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है कैनन का C700। कैनन का C700 कैमरा जो है वो 5.9 के वीडियो रिकॉर्ड करता है, यानी कि वो अभी प्रॉपर 6 के वीडियो मोड पे भी नहीं आ पाया है, कैनन का प्रोफेशनल सिनेमा कैमरा C700। और उसके लिए आपको $28,000 पे करने पड़ते हैं, जो कि लगभग इंडियन करेंसी में अगर आपको C700 कैमरा खरीदना है तो उसके लिए लगभग आपको 20 लाख रुपए के आसपास पे करने पड़ेंगे। तो आप ये समझो कि उनकी जो सबसे फ्लैगशिप सिनेमा कैमरा है C700, वो 5.9K पे लिमिटेड है और उसकी प्राइस है $28,000। एंड नॉट ओनली सिनेमा कैमरा, उनकी इंटायर रेंज ऑफ सिनी लेंसेस है। तो आप ये थोड़ी समझने की कोशिश करो कि अगर वो एक मिररलेस कैमरा अनाउंस करते हैं, कैनन EOS R5 कैमरा अनाउंस करते हैं विद द कैपेबिलिटी टू रिकॉर्ड अ प्रॉपर 8K वीडियो और इवन अ प्रॉपर 4K वीडियो विद 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, देन ऑफ कोर्स उनकी सिनेमा लाइन ऑफ कैमरे की भी सेल चली जाएगी। एक बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएबल स्टेप है कि उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया, उन्होंने ऐसी, उनकी मार्केटिंग टीम ने ऐसा डिसीजन लिया। अब हमें बहुत ही सीरियसली इस कंपटीशन को लड़ना होगा, अब हमें कंपटीशन का लेवल यहाँ सेट कर देना है कि अब सोनी भी दो बार सोचे कि भाई हम अपना नेक्स्ट कैमरा अनाउंस करें तो किस कोर स्पेक्स के साथ अनाउंस करें, क्योंकि अब उनकी जो टक्कर होगी वो काफ़ी एडवांस कैमरे के साथ होगी। मानना है कि कैनन ने बहुत बोल्ड स्टेप उठा लिया है, अब हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हमें एक प्रॉपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मोड मिले, उसमें हमें बहुत ज़्यादा क्रॉप्स या DPF की इश्यूज नहीं फेस करनी पड़े, एक प्रॉपर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग मोड मिले, बस हम यही उम्मीद के साथ बैठे हैं। हालांकि इनिशियल सेट ऑफ जो स्पेसिफिकेशन हमें मिले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत ही इम्प्रेसिव है। एट द सेम टाइम अगर ऐसा कैमरा आता है तो ऑफकोर्स इसकी डेवलपमेंट अनाउंसमेंट से ही 1DX मार्क 3 की सेल ख़त्म हो जाएगी। एट द सेम टाइम उनकी सिनेमा कैमरा लाइन जो है उनकी भी सेल काफ़ी हद तक ड्रॉप कर जाएगी। अब प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर भी कहीं ना कहीं वेट करेंगे ये देखने के लिए कि किस लेवल का ये कैमरा आ रहा है, किस हद का ये कैमरा आ रहा है। और ऑफ कोर्स अगर ये 4K 60 और 120 FPS रिकॉर्ड करता है और 8K 24P या 30 FPS रिकॉर्ड करता है प्रॉपर वे में, देन नो वन विल गोइंग टू बाई एनी सिनेमा कैमरा फ्रॉम कैनन, सब कोई EOS R5 कैमरा खरीदेंगे। सो दैट वाज माय वीडियो टुडे कि कैनन का ये काफ़ी बोल्ड स्टेप है, ये गेम चेंजिंग स्टेप है, कैनन को फिर से लाइफ लाइन पर ला सकता है। तो कैनन ऑलरेडी नंबर वन है, लेकिन पिछले 10 साल का आप इनका सेल्स रिकॉर्ड देख लो, हर साल इनको घाटा हो रहा है। तो अगर कुछ ऐसा वो अनाउंस करते हैं जो कि EOS R5 के नियर अबाउट भी हो, देन ऑफकोर्स उनकी सेल बूम करेगी, नए यूजर्स उनसे जुड़ेंगे और पुराने यूजर्स अब DSLR की ट्रैक छोड़ के ऑफकोर्स मिररलेस पे आ जाएंगे। सो कैनन EOS R5 ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा कैमरा है, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।